ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर इंदु सूद में। मैं आपको अपने इस चैनल पर ऐसी रिमेडीज, ऐसे उपाय बताती हूँ जो करने में बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, लेकिन उनका असर बहुत जल्दी और बहुत अच्छा होता है। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी समस्या के बारे में जो हर एक पर्सन की समस्या है, यानी कि लगभग मतलब 100 में से 90% को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और वो समस्या है हेयर फॉल की, यानी कि बालों के झड़ने की समस्या। इस पर्सन का मुझे लगता है ऐसा कोई पर्सन हो जिसे इस समस्या का सामना ना करना पड़ रहा हो। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या है कि आपके जो बालों का झड़ना, आपको समझ में नहीं आ रहा कि बाल क्यों झड़ रहे हैं, तो आपको जो मैं उपाय बताने वाली हूँ इसको एक बार जरूर करके देखना। बालों के झड़ने के 2-3 मुख्य कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है डाइट में कमी होना, यानी कि डेफिशिएंसी इन डाइट। कई बार हमारी डाइट में जब कमी आ जाती है तभी हमें बालों की झड़ने की समस्या का सामना करना पड़ जाता है। दूसरा कारण होता है मेडिकल इश्यूज। जब हमें कोई हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब भी हमारे जो बाल हैं वो झड़ने लग जाते हैं। लेकिन इनके अलावा भी एक तीसरा कारण होता है, और वो कारण है बालों को नज़र लगना। बालों को नज़र सबसे ज़्यादा जल्दी बालों को नज़र लगती है। बालों के जो नज़र, मान लो जैसे जरूरी नहीं है कि आपके बाल लंबे हैं तभी आपके बालों को नज़र लगेगी, छोटे बालों को भी नज़र लग जाती है। जैसे मान लो आपके बाल अच्छे हैं और किसी और के बाल अच्छे नहीं हैं, तो वो तो मन में सोचेगा ना कि हाँ इसके बाल कितने अच्छे हैं, और जब उसने इस बात पे हाय कर दी तो समझ दीजिए कि आपके बालों का झड़ना शुरू हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं बालों की झड़ने की समस्या से, यानी कि हम बालों की जो झड़ने का जो कारण है नज़र लगना, उस हम नज़र को हम कैसे उतार सकते हैं। इस उपाय को आपको, जैसे मान लो आपके हेयर फॉल हो रहा है और आपको पता नहीं है, तो आप सबसे पहले इस सिंपल से उपाय को करके देखिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको लगता है कि कोई मेडिकल इश्यू नहीं है तो आप सबसे पहले इस उपाय को जरूर अपने घर पे करिए। इस उपाय को आपने कभी भी किसी दिन शुरू कर सकते हैं, मतलब इसमें दिन का कोई खास रोल नहीं है कि हमें किस दिन से शुरू करना है, और इस उपाय को आप दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक कांच के गिलास में पानी भरकर। ये देखिए, जैसे मैंने ये कांच का गिलास इसमें पानी भरकर रखा है, और फिर आपको लेना है थोड़ा सा सफ़ेद नमक। आपको नमक जो हम सिंपल किचन में यूज़ करते हैं वही सिंपल वाइट नमक लेना है। नमक लेने के बाद आप उस नमक को आप पानी में डाल दीजिए। ये देखिए, पानी में नमक डालने के बाद जिसके बालों की नज़र उतारनी है उसके सिर से, बालों के जिस गिलास में जैसे पानी समेत, उसके सिर से आपको 7 बार मारना है, और हर बार आप कोशिश कीजिए कि उसके बालों के साथ टच करें। इस उपाय को जिसके नज़र लगी है वो खुद भी कर सकता है, कोई और भी उसके बालों की नज़र उतार सकता है। जैसे आप अपनी मम्मी को बोल सकते हैं, अपने ब्रदर को, अपने हस्बैंड को, अपने पापा को, किसी को भी कह सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप खुद कर सकते हैं तो खुद भी आप अपने सिर से इस पानी को 7 बार वारिए, और हर बार अपने बालों से टच कीजिए, और उसके बाद आपने सिंपल इस पानी को आपने अपने घर के वाश बेसन में डाल देना है, और आपके जो बाल हैं वो जल्दी ही झड़ना बंद हो जाएंगे। करके जरूर देखना। ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये मेरे छोटे छोटे उपाय अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले मिलें। ओम नमः शिवाय।